While addressing a rally in Dharamshala today, Congress Vice President Rahul Gandhi praised the servicemen for putting their life at stake to serve the nation. Gandhi said that he spoke to the ex-servicemen about the issues and the problems which they faced so that he could get to know about the ground realities. ex-servicemen se mila aur maine unse kaha ki aam taur se rajneta aate hain bhashan kar jate hain chale jate hain magar main aapse milna chahta tha aapki baat sunna chahta tha aur main janta hu shayad is bheed mein bahut sare hamare ex-servicemen aur servicemen bhi khade hain aur maine unse ek ghanta baat ki aur unhone mujhe thoda samasyaon ke bare mein मुश्किलों के बारे में बताया तो इस स्टेज से मैं उनका और हमारे सब हिमाचल प्रदेश में एक सर्विसमैन और जो सर्विस करते हैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप देश की रक्षा करते हो अपना खून अपना पसीना देश को देते हो। मुझे लग रहा है पिछले दो तीन दिनों में कांग्रेस पार्टी के बीच में कंपटीशन हो रहा है। मैं अरुणाचल प्रदेश गया, पब्लिक मीटिंग में गया और बहुत सुंदर जगह में पब्लिक मीटिंग करवाई। मैंने वहां कहा कि ऐसी जगह तो मैंने नहीं देखी पहले। फिर मैं गया मेघालय, वहां उससे भी सुंदर जगह दिखा दी। फिर मैंने वहां कहा कि भाई ऐसी जगह मैंने नहीं देखी और अब आपने यहां मुझे बुलाया और आपने उससे भी सुंदर जगह दिखा दी। गांधी थैंक्ड पीएम मनमोहन सिंह एंड कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी फॉर देयर एक्सेलेंट वर्क व्हिच हैज बेनिफिटेड 23 लाख सर्विसमैन इन इंडिया। और अगर ये 23 लाख एक सर्विसमैन को फायदा हो रहा है तो सच बात यह है कि राहुल गांधी ने सिर्फ आपकी बात उठाई थी, काम प्रधानमंत्री जी ने और सोनिया जी ने किया है। तो मैं उनका भी स्टेज से धन्यवाद करना चाहता हूं। दिस रिपोर्ट वॉज ब्रॉट टू यू बाय NNIS।